क्या है आपके लिए एक बार फिर से सिलेक्शन का मेला। अब आपको मिलेंगे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए बेहतरीन नोट्स। अब इन नोट्स को पढ़कर मिलेगी हर बच्चे को सफलता। आ रहा है सिलेक्शन का सबसे बड़ा मेला इस शनिवार 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट। तो रहना है तैयार इस शनिवार सिलेक्शन के लिए एग्जाम बुक के साथ। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और आप लाभ उठाएं इस स्पेशल डिस्काउंट का। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, अब आ गया है आपके लिए एक बार फिर से सिलेक्शन का मेला। अब आपको मिलेंगे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए बेहतरीन नोट्स। अब इन नोट्स को पढ़कर मिलेगी हर बच्चे को सफलता। आ रहा है सिलेक्शन का सबसे बड़ा मेला इस शनिवार 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट। तो रहना है तैयार। हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आ जाइए। गुड इवनिंग सर एंड मैडम जी, मोस्ट वेलकम। और देखो, आप लोगों को पता है स्टूडियो की वजह से थोड़ा सा हम डिले हो गए, क्योंकि उस स्टूडियो में गया तो उसमें ईमेल आईडी लॉगिन नहीं थी, इसमें आया तो कुछ और, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, कोई नहीं। देखो इधर, देखो आप लोगों की एग्जाम डेट आ चुकी है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि सीएचएसएल की एग्जाम डेट कब आएगी टीयर वन की, ठीक है। और ये आपके होली के एक दिन बाद यानी कि 9 तारीख से शुरू हो जाएगा और 21 तारीख तक चलेगा। और ये आपका सीजीएल टीयर टू, सीजीएल टीयर वन का रिजल्ट नहीं आया बट डेट आ गई टीयर टू की। अब वो कौन सा है? वो 2 तारीख से 7 तारीख के बीच है। अब वहां भी जीएस आएगी, तो जिसको अपने ऊपर भरोसा है वो मेंस की तैयारी करे, और जिसको नहीं भरोसा है वो सीएचएसएल के पे लग जाए चुपचाप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये थी तुम्हारी कुछ बताने वाली चीज। और जो बच्चे अपना पोस्टर देख के पढ़ेंगे कि भाई पोस्टर पे ये लिखा हुआ है सर के पे या नहीं लिखा हुआ है, हम तब पढ़ने जाएंगे, वो फिर भाई तुम्हारी हड़क है। बाकी मैं तो सिर्फ एक बार बोल ही सकता हूं। अब मैं बार बार थोड़ी ना तुमसे हर चीज के बारे में आके बोलूंगा कि भैया ऐसे है वैसे है ना। एक ही बार बोल सकता हूं मैं तो आपसे कि मैं तो ऐसे ऐसे, चुपचाप क्लास लेना स्टार्ट कर दो और पढ़ो, बस इतना, उसके बाद कुछ भी नहीं। चलिए अब देखो, हम लोग एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल के लिए, और प्रतिज्ञा बैच अगर आप ऐप पर पढ़ रहे हैं ये उसके लिए है, एमटीएस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बथुकम्मा पुष्प उत्सव है, ठीक है। अब ये बोला कि 25 सितंबर 2022 से किस राज्य में मनाया गया, है ना, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या फिर सिक्किम। अब देखो यहां से क्या बोला है सर, बथुकम्मा, उसने डेट दी है, डेट दी है 25 सितंबर 2022, ध्यान रखना। तो ये 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में मनवाया गया था, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ, अमावस्या पर शुरू हुआ था, अमावस्या पर शुरू होता है और दुर्गा अष्टमी तक चला, ठीक है। कब तक चला, दुर्गा अष्टमी पर। अच्छा ये कहां पर, तेलंगाना के अंदर, ठीक है, ध्यान रखोगे। इसको कह देते हैं फूलों का त्योहार, क्या बोल देते हैं इसको, फूलों का त्योहार, ये चीज आप ध्यान रखना, क्लियर हो जाता है। तो समझ गए यहां से हमने क्या समझा, बथुकम्मा पुष्प उत्सव है एक, 25 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक जाएगा। और ये अमावस्या ध्यान रखोगे, दुर्गा अष्टमी, अमावस्या से लेकर दुर्गा अष्टमी के बीच में चलता है, 9 दिन का होता है कुल मिला के टोटल, ठीक है। और फूलों का त्योहार भी बोलते हैं, तेलंगाना इज द राइट आंसर। ओके, अब इधर देखो भाई, 2 जून 2014 को ये राज्य बना था, 29वां राज्य बना था आंध्र प्रदेश से हटके, है ना। 17, 7, 119 और 40 ये इसकी सीटें हैं, 17 लोकसभा की सीटें हैं यहां पर, ठीक है, और ये 7 राज्यसभा की सीटें हैं यहां पर, ठीक है। 119 यहां की खुद की विधानसभा की सीटें हो जाती हैं, और 40 क्योंकि यहां पर विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में विधान परिषद है हमारे देश के, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है, समझ गए आप लोग यहां तक, है ना। यहां से कौन कौन सी नदी, इसके उत्तर भाग से तो जाती है गोदावरी, याद रखना गोदावरी, और इसके दक्षिण भाग से जाती है कृष्णा, ये भी चीज आप ध्यान रखना, कृष्णा। और जो इसकी हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे है। तो समझ गए ना आप लोग, सीएम का नाम बताओ कमेंट में कि सीएम कौन है। बोलता है पुष्कर मेले का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है, कौन से महीने में पुष्कर मेला लगता है,
तो आप बोलोगे सर पुष्कर मेला जो है वो मई जून या फिर जुलाई अगस्त या फिर सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर नवंबर। भाई पुष्कर कहाँ है? पुष्कर है सर अजमेर के पास, है ना, अजमेर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर। यहां पर लगता है, ध्यान रखोगे, पुष्कर मेला जो कि वर्ल्ड फेमस है ना। यहां पर आपको इसको पशु मेला भी कह देते हैं क्योंकि यहां पर इसमें जो आपके घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, ऊंट होते हैं, उनको सजाया जाता है, ऊंट ऊंटनियों की दौड़ भी होती है, फिर जो उसमें फर्स्ट आता है उसको अवार्ड भी मिलता है। लेकिन कौन से महीने में? गलत, सी नहीं, अक्टूबर नवंबर। इस बीच में कौन सी आती है? अक्टूबर नवंबर में कौन सा महीना होता है? ये कार्तिक महीना, याद है ना आपको? ठीक है, कौन सा महीना है? कार्तिक महीना है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर लगता है ये अजमेर के पुष्कर में, वहां पर पशु मेला है ये एक तरीके का, लेकिन इसमें और भी चीजें दर्शाई जाती है, ये चीज आप ध्यान रख लोगे। क्लियर हो जाता है, समझ गए? तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर लगता है ये पुष्कर मेला। आप बोलोगे सर कितने दिन? 5 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, ये बात ध्यान रखना। पुष्कर में ना पुष्कर झील भी है, याद रखना, और उस पर कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट, ये भी बात आप ध्यान रखोगे। बोलता है उत्तर प्रदेश नहीं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। क्या बोला वो कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या घनत्व कम है? लक्षद्वीप, अंडमान या फिर पुदुचेरी या फिर दमनदीप? जरा बताओ इसमें से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, पिछली बार गलत हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत छोटा नहीं कर गया यार इसको, मेरे को तो दिख भी नहीं रहा है बहुत छोटा छोटा दिख रहा है इसमें। चलिए, एक मेरा स्टूडियो भाई साहब, हमारी स्टूडियो बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ की लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, चलो ऐसा दिखाएगा जैसे अभी कोयले की खदान में हम काम करके आए हों। चलो, ये बोलेगा क्या? अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार ही है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में केवल 46 है, यानी कि सबसे कम है, 46 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे। आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा कहां है फिर? दिल्ली में है, सबसे ज्यादा दिल्ली में है, सबसे कम आए तो अंडमान निकोबार बता दोगे, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व। अब हमने अंडमान आया, सर ये जो अंडमान नाम आया है कहां से आया है? देखो क्या होता था, ये आप अंडमान निकोबार को तो जानते हो, ठीक है, ये निकोबार हो गए, ये अंडमान हो गए, टोटल यहां पर 572 द्वीप हैं, लेकिन हम कुछ ही द्वीपों की बात करते हैं। ये आया था नाम हंडुमान से। आप बोलोगे सर हंडुमान? यस, यहां की जो जनजाति थी वो मलय भाषा बोलती थी। कौन सी भाषा? मलय भाषा। तो मलय भाषा में हनुमान जी को हंडुमान बोला गया है, वहीं से ये अंडमान आया है, समझ गए आप लोग, वहीं से ये क्या आया है? अंडमान नाम आया है, इतनी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। मलय भाषा इंडोनेशिया में भी चलती है ये मलय भाषा, ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। यहां की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, पता है ना, सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान पर पड़ती है। कहां पड़ती है? उत्तरी अंडमान पर। कितनी ऊंची चोटी है? 738 मीटर ऊंची है। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है सर? माउंट थ्विलर। माउंट थ्विलर कहां पड़ेगी? ग्रेट निकोबार के ऊपर, ध्यान रखोगे, ग्रेट निकोबार के ऊपर पड़ती है, ये चीज आप ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया? भाई जरा बताओ, केन विलियमसन है, राहुल है, विराट कोहली या फिर बाबर आजम है? क्या लगाओगे इसमें से? बोला सर ये जो है क्रिक इन्फो, ठीक है, क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड, और ये 15वां अवार्ड था, ध्यान रखोगे। तो आप बोल सकते हो कि किस क्रिकेटर ने 15वां ESPN क्रिक इन्फो, है ना, कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गया? तो वो केन विलियमसन जीत गए, ठीक है, और ये कहां के हैं? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के क्या हैं? कप्तान हैं, तो यही जीत गए हैं, ठीक है। अगर आपसे अभी पूछे कि जी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन जीत गया ICC का, तो आप बोलोगे सर बाबर आजम जीत गए 2022 वाला। कौन जीत गए थे? बाबर आजम, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ये 2023 में मिले हैं अवार्ड। ODI प्लेयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिल गया? बाबर आजम।
टेस्ट प्लेयर किसको मिल गया जी? ये बेन स्टोक को मिला, ये है इंग्लैंड के बेन स्टोक। टी20 का किसको मिल गया? सूर्य कुमार यादव को मिला, सूर्य कुमार यादव इंडिया के। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये है आपके प्लेयर्स टी20 के हैं, टेस्ट के हैं और वनडे और प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट आ जाओ भाई, पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? क्या लगा सकते हो कि पाकिस्तान की सबसे लंबी रिवर कौन सी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर सतलुज, चिनाब। देखो ये आज जीडी में भी आया है, एसएससी जीडी में, ध्यान रखना। ठीक है, पाकिस्तान की सबसे लंबी कौन सी नदी पड़ती है? हमें सतलुज पड़ेगी, चिनाब पड़ेगी, सिंध पड़ेगी या फिर झेलम। देखो जब हम अपना मैप देखते हैं सर, तो मैप में हमको बोखरचू, ध्यान रखोगे बोखरचू, ध्यान रखना बोखरचू के पास से कौन सी नदी निकलेगी यहां से तिब्बत से? वो है आपकी, ध्यान रखोगे सिंधु रिवर, और ये भारत में आती है दमचोक जगह से। कहां से? दमचोक, ध्यान रखना दमचोक जगह पड़ती है लद्दाख में, यहां से आई ये इंडिया में, फिर उसके बाद ये पीओके वाले रीजन में जाती है और यहां चिल्हड़ के पास से पाकिस्तान चली जाती है। चिल्हड़ के पास एक जगह पड़ती है दर्दिस्तान में, दर्दिस्तान के पास चिल्हड़ से पाकिस्तान में आ गई और अरब सागर में गिर गई। ठीक है, अरब सागर में गिर जाती है, ये ध्यान रखना। देखो अब जो है ना सिंधु नदी समझौता उठ रहा है दोबारे से, तो सिंधु नदी तो हमारी ये हो गई। अब देखो एक चीज, इसमें सबसे पहली कौन सी आती है यहां तक? झेलम। फिर दूसरी कौन, ध्यान रखना इस पे लिख लो झेलम। फिर अगली कौन सी आती है? चिनाब। ठीक है, चिनाब। अगली कौन सी आती है? ये रावी। ठीक है, रावी। अगली कौन सी यहां तक? व्यास। व्यास पाकिस्तान नहीं जाती। फिर पीछे से आ रही होती है कौन सी? सतलुज। ये चीज आप ध्यान रखना, सतलुज तिब्बत से आई वापस इंडिया से होकर पाकिस्तान चली गई है ना, और मीथन कोट के पास ये जाकर ये मिल गई। देखो सिंधु नदी समझौता जो था वो क्या था, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझौता हुआ 19 सितंबर 1960 को। सब कहते हैं कराची में हुआ, नहीं रावलपिंडी में हुआ था, ध्यान रखना। एसएससी भी कहती है और सब कहते हैं कि रावलपिंडी में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच? वहां के राष्ट्रपति थे उस टाइम पर अयूब खान, ये चीज ध्यान रखोगे, अयूब खान, और हमारे पंडित नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री, ये चीज ध्यान रखोगे। हमारे पंडित नेहरू पीएम थे और उनके राष्ट्रपति थे अयूब खान, इन दोनों के बीच में 19 सितंबर। ये लागू कब से होता है? अगले साल 12 जनवरी 1961 से लागू हो जाता है समझौता। इस समझौते में क्या बात थी? बात यह थी कि इंडिया चिनाब रावी, वो इंडिया जो है रावी व्यास और सतलुज, ये जो तीन नदियां हैं इनका पूरा पानी रोक सकता है, पूरा रोक सकता है, ये पूरी अथॉरिटी है इंडिया के पास। लेकिन सिंधु झेलम चिनाब इनका सिर्फ 20% ही ले सकता है, इनका सिर्फ 20% ही पानी ले सकता है भारत, ये चीज ध्यान रखोगे। सिंधु झेलम चिनाब का 20% ही ले सकता है, तो सिंधु समझौते के तहत भारत कितना पानी यूज कर सकता है? 20%, बाकी इन तीनों का पूरा कर सकता है। अब दोबारे से यह बात उठ रही है कि इसको अपडेट किया जाए। ठीक है, आप सुनोगे अभी एक दो दिन में और ज्यादा ये मामला गर्म होगा। ठीक है, जरा बताओ बोम्बियाला देवी किस खेल से जुड़ी हुई है? कबड्डी, तीरंदाजी या फिर 400 मीटर आपको लगाओगे दौड़ या फिर शॉट पुट? तो आप बोलोगे सर बोम्बियाला देवी जो है वो तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। ठीक है, देखो बोम्बियाला देवी की एक चीज ध्यान रखना, बोम्बियाला देवी इन्होंने क्या काम करा, इन्होंने 2011 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी। क्या हुई थी? विश्व तीरंदाजी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी। ये जो तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई इसमें इनको क्या मिला? सिल्वर, सिल्वर मिला, तो इनको 2012 में अर्जुन अवार्ड दे दिया। अब ये बात आई हुई है ध्यान रखना सीएचएसएल के अंदर कि इनको सीएचएस ये कब मिला है अर्जुन अवार्ड, बोम्बियाला देवी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? 2012 में। किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, है ना, विश्व तीरंदाजी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ है, यानी कि इन्होंने रजत पदक जीता है। आ जाओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा के पास है? अब बताओ जरा कौन सा पर्वत है जो धौली गंगा के पास पड़ेगा, कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, कामेत है, अनाई मुंडी है, नंदा देवी या फिर हाथी पर्वत? देखो भाई धौली गंगा नदी कहां? उत्तराखंड में है। ठीक है, उसी के पास कौन सा पर्वत पड़ता है? नंदा देवी। नंदा देवी मतलब आनंद की देवी, है ना, आनंद की देवी, ये चीज आप ध्यान रखोगे। आनंद की देवी कितने ऊंचा पर्वत है भाई? ये 7,817 मीटर ऊंचा है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत, तो पता चल गई हमें, डन। अब आप बोलोगे सर अनाई मुंडी ये तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 है ना,
दक्षिण भारत की बोल दो या आप इसे पश्चिमी घाट की बोल दो, सबसे ऊंची चोटी, राइट। आप बोलोगे सर ये जो कामेत है ये दूसरा ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का, ध्यान रखोगे 7756, ये चीज ध्यान रखना 7756 मीटर कामेत। हाथी पर्वत ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली में है, ध्यान रखना उत्तराखंड के चमोली में है हाथी पर्वत। पेपर में पूछा जा चुका है हाथी पर्वत कहां है, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, बोलते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, कोई एक स्टेट है जहां से हमारी कैंसर लाइन गुजरती है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना, जरा बताइए। मैं तुम्हारे कमेंट थोड़े से बड़े कर लू, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ही भैया बौने बौने से दिख रहे हैं ये कमेंट, अब थोड़ा सा बड़े लगेंगे। हाँ चलो भाई दीजिए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। ओ डी वाले बहुत बढ़िया, इस बार सभी बच्चों का ठीक आंसर आया, शाबाश, बहुत बहुत अच्छा। क्या बोलोगे आप, सर इसमें आएगा आपका मिजोरम इज द राइट आंसर, ठीक है क्लियर हो जाएगा, समझ गए। देखो भाई मान के चलो आपकी कर्क रेखा, ठीक है कर्क रेखा आपकी, अब ये एंटर कहां से करी सर, ये गुजरात से एंटर करी, ये राजस्थान के भी दो जिलों से जाती है, फिर ये एमपी में सबसे ज्यादा जाती है, फिर छत्तीसगढ़ में आई, फिर झारखंड में आई, फिर वेस्ट बंगाल में आई, ठीक है कितने आ गए यहां से, तीन और तीन छह स्टेट यहां हो गए, एक त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम हो गया, आठ स्टेट से जाती है ना, कितने स्टेट से, आठ राज्यों से जाती है, कितने जिलों से जाती है, 35 जिलों से जाती है ना, ध्यान रखोगे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर बसी हुई है, ध्यान रखना ठीक है। और रांची ये भी चीज आप ध्यान रखना, रांची भी कर्क रेखा पर बसी हुई है, किसकी, झारखंड की राजधानी, समझ गए है ना, ऐसे ध्यान रखना है बस। जरा बता सकते हो कितने देशों से जाती है, जरा बताओ मैं देखूंगा क्या लगाओ कितने देशों से होकर जाती है। बोलता है थेवा कला निम्नलिखित में से मीनाकारी का संबंध मूल रूप से है, जरा बताओ थेवा कला नामक मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है, जरा बताओ इसमें से, है ना, देखो जरा बताओ, देखो थेवा कला भी होती है एक मीनाकारी भी होती है, ठीक है बहुत अच्छा, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश सत्यम, बहुत अच्छा आंसर है, हाँ गड़बड़ हो जाएगी, सोच सोच के आंसर दो। एक बच्चा कह रहा है 18 और 17, क्यों भाई सोच के आंसर दो, एम ही दे रहे हो, ठीक है दीजिए इसमें से, बहुत अच्छा। एक बच्चा कह रहा है राजस्थान, यस थेवा कला जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ से है, राजस्थान के प्रतापगढ़ से, अच्छा सर राजस्थान के प्रतापगढ़ से है थेवा कला माना हमने, क्यों जानी जाती है थेवा कला, आप ध्यान रखोगे 23 कैरेट सोना लीजिए, ठीक है ध्यान रखोगे सोना, उससे फिर आभूषण बनाइए, ध्यान रखोगे किसके ऊपर, शीशे के ऊपर, शीशे के आभूषण बनाइए सोने के साथ मिक्स करके, समझ गए ये चीज ध्यान रखोगे, या आप शीशा ना डायरेक्ट बोल के आप कांच बोल लीजिए, ठीक है ध्यान रखोगे कांच, है ना कांच पर, कांच के साथ सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, ध्यान रखना 23 कैरेट सोना होता है जिससे बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलता है थेवा कला। आप बोलोगे सर ये थेवा कला का संबंध बिल्कुल मीनाकारी से है, ये भी वैसी ही है मीनाकारी, सेम एज, ये राजस्थान के जयपुर में चलती है ज्यादा, ध्यान रखोगे जयपुर में, दोनों सेम है एक जैसी। आ जाओ भाई अब नेक्स्ट पर, बोलता है सर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, देखो इनका 92 साल की उम्र में अमेरिका के सैन डियागो में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना, तो अमेरिका में डेथ हुई इनकी, और कब भाई ध्यान रखोगे 92 साल की उम्र में, ये चीज आप ध्यान रखना, क्या बजाते थे भाई वो, सितार बजा लेते थे बढ़िया, है ना, अब उनको कब मिला भारत रत्न, 1999, याद रखोगे इसमें से क्या हो गया 1999 में मिला था, शाबाश, वो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डालोगे कई बार आया है पंडित रविशंकर को लेके क्वेश्चन, घोपड़े में बिल्कुल इसको पी जाओ भैया, ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, यूरी गागरिन, ठीक है ये जरा बताओ यूरी गागरिन ने किस वर्ष अंतरिक्ष में यात्रा की थी, ये आदमी है या औरत है, ये आदमी है, ठीक है याद रखोगे ये आदमी है, कहां के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं, बात है 12 अप्रैल की, ठीक है और 1961 की बात है, तब इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी, ध्यान रखोगे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या होता है,
पृथ्वी के ऊपर जाना, समझ गए, पृथ्वी से ऊपर काले अंधेरे में चले जाना, वो अंतरिक्ष है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, वहां की यात्रा करी थी 12 अप्रैल 1961 सिर्फ 108 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? 108 मिनट। और उस टाइम पे रूस और अमेरिका में चल रहा था शीत युद्ध। ये चीज आप ध्यान रखोगे, शीत युद्ध चल रही थी, कोल्ड वॉर बज रही थी, किसमें? अमेरिका प्लस रूस में। और उस दौरान रूस ने यह उपलब्धि हासिल करी थी जो कि बहुत बड़ी बात थी। 12 अप्रैल 1961, यह ध्यान रखना 108 मिनट के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, बोलते हैं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए किया है? जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, ये कब तक के लिए किया भाई, है ना? नवंबर 2022, दिसंबर 2022, जनवरी 2022 या फिर फरवरी 2023 के लिए, है ना? तो जरा बताओ इसमें से। 8 को जीडी का है अनुज कुमार। देखो भैया, आपने आराम से तैयारी तो कर ली होगी, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं। नॉर्मल पेपर आ रहा है, तुम कर आओगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैथ्स में प्रैक्टिस थोड़ी सी बना लो, अगर जो तुम्हारे चैप्टर ना बन पा रहे हो, हिंदी में भी कुछ नहीं है खास ऐसा, आराम से 65-70 के आसपास तुम इजीली कर लोगे, ठीक है? चलिए दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, दिसंबर 2022। एक बच्चे ने लिखा दिसंबर 2023, इसका मतलब उसने करंट पढ़ी है, 2023 दिसंबर तक बढ़ा दी है अभी, तो इसमें से तो कोई सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? ध्यान रखोगे, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो बढ़ाई गई थी इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो बढ़ाई गई थी दिसंबर 2022 तक। अब इसको बढ़ा के पहुंचा दिया कब तक के लिए, है ना, दिसंबर 2023 तक कर दिया। अब तो अब ये नया हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? ये याद रखोगे, अब ये इतने के कर दी। अब ये कब स्टार्ट हुई थी आपको पता है? मार्च में लॉकडाउन की घोषणा करी थी 2020 में, किसने? मोदी जी ने। तो उसके बाद अप्रैल आया, अप्रैल में ये 2023 में गरीबों को 5 किलो अनाज पहुंचाने के लिए, 5 किलो अनाज पहुंचाने के लिए, वो भी फ्री में, है ना, फ्री में ये योजना चलाई थी, जिसपे आपको पता है मोदी जी का पोस्टर छपा रहता था उस थैले के ऊपर, ये सबको दिया गया था, ठीक है? क्लियर हो जाएगी, समझ गए? तो अब ये योजना आगे तक के लिए हो गई। बेशक ये किसके जन्म उत्सव पर मनाते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, ईसा, महावीर, जुडस या फिर बुद्ध? जरा बताना, बेशक जो है ये किसके जन्म पर मनाते हैं, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। बेशक क्या होगा, ईसा या फिर महावीर या फिर जुडस या फिर बुद्ध? तो आपको क्या लगेगा एक राइट आंसर? बुद्ध इज राइट आंसर, ये पढ़ा है हमने एक बार, ठीक है? गलत नहीं करना, ईसा नहीं है, ए वाले गलत कर रहे हैं, ठीक है? जीजस नहीं है भैया, जीजस नहीं है, बुद्ध वाले, डी इज राइट आंसर, कई सारे बुद्ध वाले बोले। देखो बेशक जो है बुद्ध के, जब बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं ना, बुद्ध पूर्णिमा तभी मनाते हैं इसको। आप बोलोगे सर बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। देखो एक होती है बैशाख पूर्णिमा, एक होती है बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी कभी बुद्ध पूर्णिमा बोल देते हैं, कभी हम उसको बैशाख पूर्णिमा बोल देते हैं, बैशाख पूर्णिमा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है? अप्रैल मई के टाइम पर ये पड़ती है, तो इस दिन इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी बुद्ध को, बैसाख पूर्णिमा वाले दिन। इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था, इसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई, जिसको महापरिनिर्वाण बोल देते हैं, महापरिनिर्वाण बोल देते हैं इसी चीज को। ये चीज ध्यान रखोगे, क्लियर है? ऐसे आपने ध्यान रखना। तो हम उस दिन क्या मनाते हैं, बेशक मनाते हैं ये त्योहार, अच्छा ठीक है। अब हम बुद्ध के बारे में एक चीज देखते हैं। देखो बुद्ध धम्म के त्रिरत्न कौन से थे, ध्यान रखोगे, त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनके क्या थे, त्रिरत्न थे, ठीक है? ये चीज ध्यान रखोगे, त्रिरत्न। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने कहां पर दिए थे जाकर, श्रीवस्ती में दिए थे सर, ठीक है? लास्ट इन्होंने कहां पर दिया था उपदेश, कुशीनगर में दिया था, कुशीनगर लास्ट। पहला कहां दिया था, सारनाथ में दिया था, पहला सारनाथ यूपी में दिया था, ठीक है, सारनाथ यूपी के अंदर दिया था। और किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 5 ब्राह्मण को दिया, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले शिष्य किसको बनाया, तपस्सु, ध्यान रखोगे, तपस्सु और भल्लिक, इन दोनों को सबसे पहले अपना शिष्य बनाया था, ये दोनों शूद्र थे, ध्यान रखोगे, दोनों क्या थे, शूद्र, तपस्सु और भल्लिक, ये चीज ध्यान रखोगे आप, ठीक है? जब ये राजगृह गए थे तो राजगृह में वेणुवन विहार, ध्यान रखोगे, वेणुवन विहार किस राजा ने दान में दिया था, बिंबिसार ने, याद रखोगे, बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा नहीं था, बिंबिसार, उसने इनको वेणुवन विहार दिया था राजगृह जाने पर,
ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जब ये वैशाली गए थे, जब ये वैशाली जाते हैं, वैशाली आठवें वर्ष, ये चीज आप ध्यान रखना, वैशाली गए आठवें वर्ष, तब लिच्छवियों ने इनको क्या दिया, लिच्छवियों ने इनको कूटाग्रह शाला दी थी। क्या दी थी? कूटाग्रह शाला दान में दी थी, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी आठवें वर्ष शिष्य आनंद, इनका एक शिष्य था आनंद, उनके कहने पर अपनी मौसी को बुद्ध धम्म में प्रवेश करा दिया था। यह चीज ध्यान रखोगे, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, वो भी किस में आ गई थी, बुद्ध धम्म में, बुद्ध रूल में आ गई थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बुद्ध संघ में आ चुकी थी इनकी मौसी भी शिष्य आनंद के कहने से, यह भी बात ध्यान रखोगे। अपनी ज्ञान में ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष श्रीवस्ती गए, वहां इनको क्या मिला, वहां इनको अंगुलीमाल डाकू मिला। क्या मिला? अंगुलीमाल डाकू, ये चीज आप ध्यान रखना। उंगली काट के गले में लटका लेता था, अंगुली मार था, वैसे तो अंगुली माल बोल दिया जाता था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, जरा बताइए भाई इसमें से क्या लगाओगे? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया, 91 में, 78 में, 85 में, या फिर 97 में? 25 लाख रुपए मिलते हैं, पहले 3 लाख मिलते थे, बढ़ा के 25 लाख पहुंचा दिया भैया। और ये 1985 में स्थापना की गई थी, 1985 में स्थापना, ध्यान रखना। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कोच जो शिक्षक होते हैं, सिखा रहे होते हैं, उनको दिए जाते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता था, जरा दीजिए इसमें से क्या लगाओगे? ये सीजीएल में आया था, ध्यान रखना, जो 2022 का दिसंबर में हुआ था वो क्वेश्चन। अब जरा बताओ, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? वेरी गुड, कोच को, वेरी गुड। आया 58 नहीं है भाई, बोला गलत हो जाना, ठीक है, गलत हो जाना, ये एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है, एक दो बार तुमको कर सकते हो इजीली, ठीक है। 65 किलोग्राम याद रखोगे, क्या हो गया है, 65 किलो वेट कैटेगरी है, ये चीज ध्यान रखना। इन्होंने कांस्य पदक जीता था वहां पे, समझ गए आप लोग, बजरंग पूनिया ने, है ना, क्लियर हो जाता है। किसको हराया था? कजाकिस्तान के पहलवान को, ध्यान रखोगे, कजाकिस्तान के पहलवान को हराया था। कितने से हराया पता है? 8-0 से, उसका खाता ही नहीं खुला बेचारे का। और इनको क्या मेडल मिला था वहां पे? ब्रॉन्ज मेडल मिला था, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तीसरा पदक देखो, इसी वाली ओलंपिक में सिल्वर कौन लाए थे फिर, यानी कि दूसरे नंबर का रजत, ये तो तीसरे नंबर का लाए हैं, दूसरे का कौन लाए थे? रवि कुमार दहिया लाए थे, रवि कुमार दहिया। बता सकते हो क्या वेट कैटेगरी थी उनकी? ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछे कुश्ती में सबसे पहले तो ओलंपिक में कौन लाया है, तो ओलंपिक में सबसे पहले कौन लाए थे अगर आपको पता हो 1952 में, तो आप बोलोगे केडी जाधव, ठीक है, केडी जाधव ये लाए थे सबसे पहले, ठीक है। फिर 2008 में कौन लाए थे? सुशील कुमार लाए थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सुशील कुमार लाए थे मेडल। फिर 2012 में दो लोग लेकर आए थे, योगेश्वर दत्त भी लाए थे और सुशील कुमार फिर से लाए थे, याद रखोगे, सुशील कुमार फिर से। फिर 2016 वाला आया रियो ओलंपिक, ये लंदन का था, याद रखना है वाला, ठीक है, और ये बीजिंग का था, चीन वाला, ठीक है, लंदन और फिर रियो, ये ब्राजील वाला था 2016 में। इसमें कौन लाया? इसमें साक्षी मलिक लाई थी, साक्षी मलिक। और फिर 2020 वाले में पूनिया और दहिया दोनों लेकर आए थे, ठीक है, समझ गए, हिस्ट्री याद रखना इसकी। नेक्स्ट आ जाओ, अब बोलता है रिपोर्टिंग इंडिया, ये बताइए किसकी बुक लगती है आपको, है ना, जरा बताना। रिपोर्टिंग इंडिया जिसकी भी है, 1932 में उनका जन्म पंजाब में हुआ है, ठीक है, 1932 में पंजाब भारत में जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था जरा बताओ, तो आप बोलोगे सर प्रेम प्रकाश इज द राइट आंसर, इन्हीं की है रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। चेतन भगत के बारे में आप ना जाने कितनी सारी पुस्तकें जानते हो, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान ये आप जानते हो, ठीक है, क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान याद रखना, ठीक है, क्लियर, आ जाओ भाई नेक्स्ट आते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने, जरा बताओ क्या बोला उसने, कहता है 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर कांग्रेसी, यानी वो ठीक है कांग्रेस से संबंधित नहीं रखते थे शुरू में, अब जरा बताओ क्या लगाओ, पहले गैर कांग्रेसी कौन बने हैं, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। शशि थरूर है,
अधीर रंजन चौधरी है, खड़गे है, फिर आप लगेगा सुमेंद्र है, ठीक है। ओ बेटे पकड़ गए, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक है। मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, सही बात है भाई। क्या था भाई, पहले 24 सालों में क्यों बोल रहे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं कि 1998 में कौन बन गई थी, सोनिया गांधी, सोनिया जी बन गई थी, और वो कब तक बनी रही, 2017 तक, राइट। फिर 2017 में कौन आ गए थे भाई, 2017 से लेकर है ना 2019 तक राहुल, याद रखोगे राहुल गांधी आ गए। फिर 2019 से 2022 तक फिर गांधी जी आ गई, सोनिया, याद रखोगे फिर सोनिया आ गई थी। और फिर 2022 में कौन आए, खड़गे आए, क्या चीज ध्यान रखोगे, खड़गे, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, खड़गे इज द राइट आंसर यहां पे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये था 98 से 17 तक सोनिया गांधी रही, 17 से 19 राहुल, फिर 19 से 22 फिर सोनिया आ गई। और सबसे पहले कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष 1885 अधिवेशन में, याद है आपको, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये चीज आप ध्यान रखना, यही तो थे सबसे पहले। ये कहां हुआ था, बंबई में नहीं हुआ था ये, है ना, पहले हिंदू। 1886 में कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑल, क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान रखोगे। और ये कौन है, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में अधिवेशन 1887, कहां हुआ, मद्रास। कौन बने, बदरुद्दीन तैयब जी बने, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तैयब जी पहले मुस्लिम बने थे ये, राइट, क्लियर हो जाता है। और फिर कौन हो जाते हैं, 1888 जॉर्ज यूल बने थे इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद के अंदर हुआ था, और कौन बने थे, जॉर्ज यूल बने थे, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। पारसी पहले है ना, ये दादा भाई नौरोजी पारसी हो जाते हैं पहले, ठीक है, ये ईसाई हो जाते हैं, जॉर्ज यूल, ऐसे सब अलग अलग करके बने थे पहले। किस खेल में एक पक्ष में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, जरा बताना, इसमें से कौन लगाएगा भाई, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, गलत नहीं करना, दीजिए इसमें से क्या होगा सभी बच्चों का, है ना, जरा बताना इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। भैया बड़ी गर्मी है इधर, ठीक है, बड़ी गर्मी है इधर, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक है, रग्बी, सोच के आंसर, रग्बी वाले, रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं पता है, 15-15 होते हैं, समझ गए, कितने होते हैं इसमें, 15-15 खिलाड़ी होते हैं भैया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा आप बैडमिंटन खेल रहे हो, कितने बताओगे सर बैडमिंटन में, भाई एक एक भी होते हैं, दो दो भी होते हैं, है ना। फिर आप टेनिस बोलोगे, टेनिस आप बोलोगे सर एक एक भी होते हैं, दो दो भी होते हैं, है ना जी, याद रखोगे। आप चेस खेल रहे हो, आप बोलोगे एक एक भी होते हैं, दो दो भी होते हैं, है ना, ये चीज ध्यान रखोगे। आप खो खो खेल रहे हैं तो आप बोलोगे सर खो खो में तो नौ नौ ही होते हैं, है ना। आप कबड्डी खेल रहे हो, कबड्डी तो आप बोलोगे सर कबड्डी में तो सात सात ही होते हैं, है ना। आप क्या खेल रहे हो, अब आप पोलो खेल रहे हो तो आप पोलो में बता सकते हो मुझे कि कितने होते हैं, ठीक है, अगर आप पोलो खेल रहे हो तो देखूं मैं तुम क्या खेल रहे हो। नेक्स्ट आ जाओ, अष्टधाई निमिकित में से किसने लिखा था, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, अष्टधाई किसने लिखा, शाबाश बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक है, पतंजलि पाणिनि या फिर कौटिल्य या फिर आपको कोई और लगता है, ठीक है, जरा बताइए, शाबाश पोलो वाले, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चार जो आंसर कह रहे थे, बहुत अच्छा, अष्टधाई, ठीक है, ध्यान रखोगे। संस्कृत भाषा का विद्वान कौन था, वो संस्कृत भाषा का विद्वान कौन था, वो जरा बताइए कौन था भाई संस्कृत भाषा का विद्वान, तो सार वो तो पाणिनि था, तकरीबन पांचवी और छठवी बीसी, समझ गए आप, पांचवी और छठवी ईसा पूर्व की बात हो रही है, समझ गए आप लोग, ये चीज इस शताब्दी की बात हो रही है, पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जीरो से भी 500-600 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखोगे, समझ गए। तो उस टाइम पे पाणिनि ने अष्टधाई लिखी, अष्टधाई का मतलब होता है आठ अध्याय, क्या होता है, आठ अध्याय होता है, ये बात ध्यान रखना, आठ चैप्टर, समझ गए आप लोग, ये इसी की है। अच्छा आप बोलोगे सर है ना माल विकाग्नित्रम किसकी है, ये जो पेपर में आ जाती है सर कभी कभी, माग माल विकाग्नित्रम, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, गणित्रम ये किसकी है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, ये चीज आप ध्यान रखोगे, अभिज्ञान शकुंतलम ये किसकी है ना, ये किसकी है,
तो आप जरा कमेंट में बताओ कि सर ये दोनों किसकी हैं, मालविकाग्नित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसकी पढ़ेंगे? कालिदास, अरे होशियार बच्चे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, सब बच्चों का ठीक आंसर है, कालिदास इज द राइट आंसर, ऋतु ठीक है। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा आएगा? सूर्य, बहुत गर्दा, ठीक है, काली नहीं है भाई, कालिदास है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है, सबसे लंबा, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, 56 है या फिर 46 लगता है, 44 लगता है, या तो आप बोलोगे सर NH44 है जो भारत का सबसे लंबा है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया मुझे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे छोटा बता सकते हो मुझे? सबसे छोटा, चलो मुझे ये बता दो किस राज्य में है सबसे छोटा, किस राज्य में है, कौन से स्टेट में है, मैं देखना चाहूंगा आपका क्या आंसर आएगा। ठीक है, सबसे छोटा किस राज्य के अंदर है, कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, जरा बताना, है ना, बहुत अच्छा, हा हा हा, एक बच्चा कह रहा है NH7, असम में नहीं, वाणी गलत हो जाना, ठीक है, कौन से स्टेट में है, केरला, NH40A, नो नो नो, उससे भी छोड़, एक बच्चे ने दिया महाराष्ट्र आंसर, करेक्ट, वही है, ठीक है, वही वही वही, ठीक है, केरला वाला नहीं है, अब केरला वाले से भी छोटा आ गया है, केरला वाला जो आप NH47A बोल देते थे ना, एक कह रहा 48A, ठीक है, एक बोल देते थे 47A, कोची से वेलिंगटन द्वीप के बीच में हम बोल देते थे उसको, अब ये नहीं है, अब इससे भी छोटा आ गया है, 548 महाराष्ट्र में पड़ेगा, ध्यान रखना SSC इसको पूछ लेता है। ओके, क्लियर है, NH548 ध्यान रखना, महाराष्ट्र के अंदर है, सबसे छोटा हो जाएगा अब ये, ठीक है, SSC के हिसाब से अब आप ये पढ़ोगे। आ जाओ, बोलते हैं निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे भाई, मणिपुरी नववर्ष, पहली बात मणिपुर का नववर्ष कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल से शुरू होता है ना, ध्यान रखोगे मणिपुर का नववर्ष अप्रैल से शुरू होता है। अब जो वहां पर ये चरोवा मनाते हैं वो पहले दिन मनाते हैं, यानी कि इनका न्यू ईयर है ये चीज आप ध्यान रखना, पहले दिन मना रहे होते हैं चरोबा, ये चीज ध्यान रखोगे। मणिपुर में कौन लोग रहते हैं, मैतई लोग रहते हैं, मैतई लोग बोलते रहते हैं, मैतई भाषा बोलते हैं, मैतई भाषा ध्यान रखना, मैतई भाषा को मणिपुरी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मणिपुरी, मणिपुरी भाषा भी बोल देते हैं, तो समझ गए क्या बोलते हैं, मैतई भाषा बोलते हैं मणिपुर के लोग, और मणिपुरी नववर्ष अप्रैल में शुरू होता है, उसको चरोबा बोलते हैं जब वो पहले दिन मना रहे होते हैं, बात खत्म। ठीक है, ध्यान रखोगे, लाई हरोबा भी यही मनाया जाता है, लाई हरोबा भी यही मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल भी यही मनाया जाता है, ध्यान रखोगे संगाई महोत्सव भी यही मनाया जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रखना। ये राज्य बना कब था, 21 जनवरी 1972 को इसको पूर्ण दर्जा मिला था, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, इरिल यहां की एक नदी पड़ेगी, इरिल यहां की एक नदी है, मणिपुर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बराक नदी निकलती है, जो बांग्लादेश में जाकर मेघना बोली जाती है, बांग्लादेश में जाकर मेघना बोली जाती है, समझ गए, ऐसे भी ध्यान रखना है भैया। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है नरेगा योजना कब शुरू हुई थी, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, है ना, महाभारत के अंदर, महाभारत नहीं, महाभारत के अंदर, ठीक है, नरेगा पूछा उसने, जिसको आगे जाके MG महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया था, ये चीज ध्यान रखो, और ये योजना कब शुरू हुई थी, 2 फरवरी 2006 2005 2007 2008, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे भाई। इस सभी के टाइम पर मनमोहन सिंह जी क्या थे, है ना, ओहो 2005 नहीं है, 2005 का तो वो एक्ट था, याद रखोगे, ठीक है, जो नरेगा एक्ट आया था वो 2005 में आया था, है ना, और ये लागू कब हुआ था, कब शुरू हुई थी, ये 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी, 2 फरवरी 2006, कितने दिन रोजगार की बात बोली थी, 100 दिन रोजगार की बात बोली थी, 100 दिन रोजगार मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग, रोजगार के नाम पे गड्ढे खुदवाते थे जबरदस्ती, समझ गए आप लोग, सड़कों के साइड में जबरदस्ती गड्ढे खुदवाती थी सरकार, कि हाँ भाई तुम हम मजदूरी कर रहे हो तो हम तुमको पैसा देंगे, और इसको 2009 में इसमें महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, MG वर्ड जोड़ दिया गया था, जिसको आगे मनरेगा कर दिया गया था। अब जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी लगती है भाई, गीगाबाइट लगेगी, टेराबाइट लगेगी, बिट लगेगी, बाइट लगेगी, जरा बताना, कंप्यूटर में सबसे छोटी डेटा की इकाई और उसका मान कितना होता है, कल को अगर पेपर में आ गया
कि भाई सबसे छोटा मान कौन सा होता है सर, है ना। चलिए बहुत अच्छा, वो होता है, देखो बाइट नहीं है, गलत हो जाएगा, बिट, बिट, ठीक है, बहुत अच्छा, बिट वाले बच्चे ठीक हैं, बिट, और इसका मान जीरो या एक होता है, ये चीज ध्यान रखोगे, जीरो या एक मिलेगा आपको, ठीक है। बिट, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी, तो आप बोलोगे सर बिट, जीरो या एक इसका मान होता है। अगर आपसे पूछे सर एक टेराबाइट इजकल टू, है ना, 1024 जीबी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, एक जीबी मतलब गीगाबाइट इजकल टू, ध्यान रखोगे 1024 एमबी, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है, 1 एमबी इजकल टू, है ना, ध्यान रखोगे मेगाबाइट इजकल टू केबी किलोबाइट, कितना, 1024 केबी, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो, राइट, ऐसे भी तो पेपर में आ जाता है कभी कभी, ऐसे ध्यान रखना, 1 टेराबाइट इजकल टू 1024 जीबी हो जाता है, 1 जीबी इजकल टू 1024 एमबी हो जाता है, है ना, 1 एमबी इजकल टू 1024 केबी भी हो जाता है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ गए आप लोग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा दो दो एक एक क्वेश्चन, समझ गए, तो मैं इसलिए कंप्यूटर तो रखूंगा ही रखूंगा भाई, ठीक है। देखो इधर, तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन लगता है आपको, भाई वाकाटक वंश एक ब्राह्मण वंश था, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ब्राह्मण वंश था, ये चीज आप ध्यान रखना, ब्राह्मण वंश था, किधर चलता था भैया, ये चलता था इस वाले रीजन में चलता था, ठीक है, समझ गए, ब्राह्मण वंश था, इस वाले रीजन में चलता था, इसका सबसे पहला जो शासक था वो विंध्यन शक्ति था, ये चीज समझ गए, कौन था, विंध्यन शक्ति था, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये सभी लोग शैव धर्म को मानते थे, ये चीज ध्यान रखोगे, शिव जी की पूजा करते थे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन एक दो राजा थे जो अदर भगवान की भी पूजा करते थे इसमें, ये चीज आप ध्यान रखोगे, वाकाटक वंश, क्लियर है, समझ गए आप लोग, ऐसे कभी भी आपसे आप बोलोगे सर ये लोग डाउनफॉल पे क्यों आए, कलचुरी शासक ने इनके ऊपर हमला किया था, क्यों आए थे ये, कलचुरी, ध्यान रखोगे कलचुरी शासक, आप बोलोगे सर कलचुरी शासक किस एरिया में रहते थे, ये छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के साउथ वाले एरिया में रहते थे कलचुरी वाले, जो कलचुरी शासक थे उन्होंने इसके ऊपर हमला किया था वाकाटक वंश के, और ये खत्म कर दिया था पूरा वंश, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, कहता है झावेरी बहने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, जरा बताना झावेरी बहने इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित लगती हैं आपको, तो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, ओडिशा मणिपुरी कथक या फिर कुचिपुड़ी, मैं देखता हूं तुम्हारा इसमें से सब बच्चों का आंसर क्या आंदा, ठीक है, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, वेरी गुड, मणिपुर इज द राइट आंसर, शर्मा जी बहुत अच्छा आंसर है, माही ठीक है, मणिपुरी स्टडी बहुत अच्छा भैया, ठीक है, सचिन वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सब बच्चों का ठीक, ये कौन सा लगाओगे आप, मणिपुरी इज द राइट आंसर, झावेरी बहने, पता है झावेरी बहने किससे संबंधित हो जाती है, मणिपुरी से, ठीक, पता है मणिपुरी जो डांस है, एक तो वो तीन फॉर्म में किया जाता है, एक तो होती है मतलब राधा जी और कृष्ण जी, याद रखोगे कृष्ण जी, इनको बनक मतलब एक लड़की राधा बनती है, एक लड़का कृष्ण बनता है ना, ऐसे उन दोनों के बीच में डांस किया जाता है, एक तो ये होता है मणिपुर में, दूसरा होता है ताली पटका के डांस करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ताली पटका के डांस करना होता है दूसरा, फिर तीसरा क्या होता है, ढोल बजा के डांस करना, ये चीज ध्यान रखोगे, ढोल बजा के, ये चीज आप ध्यान रखना, ये इसकी तीनों फॉर्म होती है, आप बोलोगे सर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं भैया, जैसे हिंदी हम तुम बोल तो लेते हैं, लेकिन जब हिंदी के रूल पेपर में आते तो हमारी हवा निकल जाती है, तो समझ गए, आम हिंदी तो हम ऐसी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब हम जब पेपर में आती है तो वो ऐसी हिंदी थोड़ी आती है जैसी हम बोलते हैं, है ना, तो वो तो रूल आते हैं ना उसके, ऐसी ये है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, नेपाल भूटान बांग्लादेश या फिर श्रीलंका, जरा बताना इसमें से क्या लगेगा एक राइट आंसर कौन होगा, एक बच्चा कह रहा सर करके दिखाओ, भैया पहले तुम डेमो दे के दिखाओ उसके बाद करूंगा, ठीक है, चलिए कौन आएगा, पद्मा नदी कहां पर बहती है, तो आप बोलोगे सर ये बांग्लादेश में, जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, ध्यान रखना, एक हो गई अलकनंदा हमारी, अलकनंदा, और एक हो गई हमारी भागीरथी, ये ध्यान रखना, ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग में, अब ये अलकनंदा अपने साथ पिंडार नदी को भी लेकर आती है, ध्यान रखोगे
नंदाकिनी को भी लेकर आती है, ध्यान रखना पिंडार को भी लेकर आएगी, नंदाकिनी को भी लेकर आएगी ये, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। धौली गंगा को भी लेकर आएगी, धौली गंगा को भी लेकर आती है, फिर इधर से मंदाकिनी को भी लेकर आती है। तो अलकनंदा तो काफी एरिया लेकर आ रही है, बेचारी भागीरथी के लिए आ रही है, और ये देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। तो ध्यान रखना वहीं से गंगा बनती है और यूपी में आती है, यूपी में बिजनौर से एंटर करती है, बिजनौर से, और बलिया से आउट हो जाती है, फिर बिहार में चले जाती है और वेस्ट बंगाल के फरक्का पहुंचती है, वहां से जाकर दो भागों में बट जाती है। तो जो बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा बोल देते हैं, और ये हुगली वेस्ट बंगाल में बहती है। समझ गए ना, समझ गए भैया, बांग्लादेश वाली पद्मा। मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, जरा बताओ मृदंग किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र लगता है हमको? दो मुखी ड्रम है, या फिर आपको लगता है इसमें से बांसुरी है, या फिर एक तार वाला उपकरण है, क्या लगाओगे? मृदंग किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र लगता है आपको? कौन बच्चा लगाएगा मृदंग किस प्रकार का है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है अच्छा ये सी वाला कैसे हो गया भाई? ठीक है, एक कह रहा है द्रोमुखी, द्रोमुखी ड्रम। ओके ठीक है, वेरी गुड, द्रोमुखी ड्रम। ठीक है, दो मुखी है, द्रो नहीं, दो मुखी ड्रम हो गया। ठीक है, ड्रम पीटो जाओगे धड़ धड़ मृदंग बज रहे हो, समझ रहे? बस वही तो है। एक तो कह रहा था बेचारा एक तार वाला उपकरण, हाँ एक तार का है, को बाल वाला बोल दो कि घोड़े का बाल है इसके अंदर जो लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है भैया। ठीक, मृदंग क्या हो गया, समझ गया आप लोग, दो मुखी ड्रम हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। चलो, बोलता है फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे? आपको सिर्फ वो वार्निंग दे रहे हो कि भाई ज्यादा खींचा तानी मत कर, उसको धक्का मुक्का ना मार। ठीक है, समझ गए, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, गलत नहीं करोगे। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, येलो वाले बहुत अच्छा आंसर है, जो फुटबॉल देखते होंगे वो बता देंगे, पीला। ठीक है, समझ गए आप लोग, तो पीला इज द राइट आंसर। फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड का इस्तेमाल होता है, तो वो पीले का होता है, येलो इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फुटबॉल के मैच की अवधि कितनी होती है पता है ना आपको? फुटबॉल के मैच की होती है 90 मिनट, ये चीज आप एक्स्ट्रा टाइम भी खींच देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, कभी 5 मिनट कभी 3 मिनट करके, है ना। इस बार फीफा कौन जीता था पता है ना आपको? इस बार फीफा जीता था अर्जेंटीना, ध्यान रखना अर्जेंटीना, और ये थर्ड टाइम जीता है अर्जेंटीना, ये चीज आप ध्यान रखना। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी, हराया किसको? फ्रांस, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, किसमें हराया था? पेनल्टी शूटआउट में हराया था 4-2 से, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, पेनल्टी शूटआउट, देखो क्या हो गया भाई, फ्रांस इस बार हार गया, तो 2018 में तो जीता था ना, क्रोएशिया को हराया था इसने, क्रोएशिया को हरा दिया था फ्रांस ने 2018 में, क्या दिक्कत है जब हार गया तो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बोलता है बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रमुख प्रतिपादक थी, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? बाला सरस्वती, देखो पेपर में आपसे ऐसे करके आ सकता है टी बाला सरस्वती, ठीक है, ध्यान रखोगे सरस्वती, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, कभी आपके पेपर में पूछा जाने लगे टी बाला सरस्वती करके आ सकता है। तो ये किससे थी भाई, कौन बच्चा बताएगा इसमें से, गलत नहीं करोगे? बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक लग रहा कुचिपुड़ी, नहीं मतलब कट गया भाई। ठीक है, बी इज राइट आंसर, बी वाले ठीक है, जो बच्चे बी बोले, बी भरतनाट्यम से थे। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखोगे, ये हो गया, और ये इसी से इनको 1957 में मिला था पद्म भूषण, ये चीज आप ध्यान रखना, 1977 में इनको मिला पद्म विभूषण, ये चीज भी आप ध्यान रखोगे, पद्म विभूषण मिला था 1977, ध्यान रखोगे 1977 के अंदर, ये इनको दो अवार्ड मिले भी हुए हैं। कभी आपसे पेपर पूछ लेगा पद्मश्री विजेता भरतनाट्यम वाली को बताओ भाई, तो आप नाम बता दोगे। फरवरी 2022 में किस दिन को गुरु रविदास की 645वीं जयंती के रूप में मनाया जाता, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे भाई? फरवरी 2022 को किस दिन को गुरु रविदास 645वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे सर 16 फरवरी, ध्यान रखोगे 2022 को गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती के रूप में मनाया गया। गुरु रविदास आप जानते होंगे 40 से ज्यादा इनकी कविताएं हैं, ये बात ध्यान रखना,
भक्ति गीत गाते थे, ये चीज ध्यान रखोगे, भक्ति गीत। और इनकी जो शिष्या थी वो मीरा थी, ये चीज ध्यान रखोगे, मीरा कौन थी इनकी शिष्या, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लिया जाता है कि मीरा के गुरु का नाम बताइए, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, वाल्मीकि बांध अभ्यारण कहां पर लगता है आपको, ठीक है, जरा बताओ वाल्मीकि बांध अभ्यारण आपको कहां पर लगेगा, तो ये चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर है, या फिर रणथंबोर के अंदर है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के अंदर है, या फिर आपको कहीं और लगता है ना, जरा बताओ इसमें से। हाँ जी, बहुत अच्छा, इकरा सर्कल 7 फेब है, हाँ भैया, तो ठीक है, तो क्या है, ऐसा क्या है 7 फेब है, तो चलो ये बोला लखीमपुर खीरी, एक बोलता है इसमें से लखीमपुर खीरी इज द राइट आंसर, अब तुम्हें ठोक दूंगा, मेरे सुबह लखीमपुर खीरी लगवा देते हमें, ठीक है, ये वाल्मीकि बांध अभ्यारण कहां मिलेगा, सब चीज ये पश्चिमी चंपारण में मिलेगी वाल्मीकि के नाम से, ओके, ये आपका बिहार है, ओके, बिहार में यहां पर पढ़ेंगे चंपारण, चंपारण अब दो हो गए हैं, एक पश्चिम चंपारण एक पूर्वी चंपारण है, समझ गए, पहले चंपारण एक था, तो ये जो पश्चिमी चंपारण है ना वहीं पर वाल्मीकि बांध अभ्यारण भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, ये चीज आप ध्यान रखना, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये एकमात्र क्या है, एकमात्र नेशनल पार्क है कहां का, बिहार का, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, समझ गए आप लोग, ऐसे आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, लखीमपुर खीरी, तुमने देखा था उधर लखीमपुर खीरी में ये। चलिए, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का इस्तेमाल किया, पहले बताओ इसमें से, अगर तुक्का मारा सोच के आंसर करना, तुक्का मारने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, इनमें से कौन गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा, ठीक है, जरा बताओ, का इस्तेमाल किया था, अब क्या होगा, हाँ क्योंकि पहला बोल दिया तो अब तो चंपारण ही बोलोगे, है ना, हाँ हाँ तेज आदमी तो तुम हो ही, यहां पे यार पहला सत्याग्रह बस ये पढ़ा तुमने, अभी भी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि तुमने ये सब पे तो ध्यान नहीं दिया, वो इधर इतना ही पढ़ लिया और काम खत्म, ठीक है, चंपारण ही होगा, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखोगे यही था 1917, सोच रहे होगे यार क्वेश्चन तो उतना ही था, इतना तो बेमतलब में दिया, ये आज आया है एसएससी जीडी में, सुबह सुबह वाली मॉर्निंग वाले बच्चे से पूछना, ये उसके में ही था, ठीक है, ध्यान रखोगे 1917 एसएससी का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखोगे चंपारण 1917, भाई वहां पर क्या था कि 20 में से 3 भाग पर उनको क्या उगानी थी, है ना, अगर आपसे पूछे नील की खेती करने के लिए अंग्रेज जबरदस्ती बोल रहे थे वहां के जमींदारों से कि आप जो है नील की खेती इनसे कराइए, जबकि नील की मांग बहुत कम हो गई थी क्योंकि डाई बन चुकी थी जर्मनी में, तो नील की मांग बहुत कम थी पूरी दुनिया के अंदर उस टाइम पे, लेकिन जब भी उनसे उगवाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, एक बात थी तकवी ऋण, ठीक है, ये भी तकवी ऋण वाली प्रॉब्लम चलती आ रही थी बहुत टाइम से इनकी, तो अब इस इन दोनों वजह से राजकुमार शुक्ल ने किसको बुलाया, ध्यान रखोगे, राजकुमार शुक्ल ने किसको बुलाया, उन्होंने बुलाया गांधी जी को वहां पे कि भैया आइए आप यहां पर एक बार प्रॉब्लम को देखिए, तो गांधी जी वहां पर कमेटी को समझाने में बहुत अच्छे तरीके से सफल हुए और ये सब चीज उन्हें हटानी पड़ी अंग्रेजों को, और गांधी जी सक्सेसफुल हो गए, 2017 में इसके 100 साल हो गए थे, याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले गांधी जी से यही मिले थे, ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी तो ऑटोमेटिकली बिहार के रहने वाले थे, है ना, महादेव देसाई भी थे यहीं पर जो गांधी जी से मिले थे, कामायनी के लेखक बताओ 1936 में ये लिखी गई है, जरा बताओ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर आपको लगेगा जयदेव, या फिर आपको लगेगा जयचंद, तो आप बोलोगे सर कामायनी के लेखक हो जाते हैं, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ये कब लिखी गई, 1936 में लिखी गई, ये बात आप ध्यान रखना, जयशंकर प्रसाद इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखना 1936 में लिखी जाती है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, क्यों जानी जाती है, देखो भाई इनका संबंध कभी आप टेनिस से लगा ले लगो ना, टेबल टेनिस नहीं, बैडमिंटन, क्या हुआ कि 2012 का आप लंदन का ओलंपिक जानते हैं, लंदन ओलंपिक, उसमें इन्होंने पता है क्या हासिल करी थी, वहां इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कौन सा, कांस्य पदक, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में, समझ गए आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, 7 पदक तो हमारे टोक्यो में आए थे, आप जानते हो सबसे ज्यादा आए थे एक बारी में ओलंपिक में हमारे, ठीक है, 2020 वाले में आए थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 किस में आए थे,
तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि कौन से ओलंपिक में 6 पदक आए थे। अब जरा बताओ कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में स्टार्ट हुआ, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना, क्या कहता है भाई इसमें, कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण है ये, और ये उड़ीसा के किसमें, भुवनेश्वर में शुरू हुआ। ये चीज आप ध्यान रखोगे, भुवनेश्वर को क्या बोल दिया जाता है, मंदिरों की भूमि बोल दिया जाता है, यहाँ पर बहुत मंदिर हैं, ऐसा कहते हैं कि 1000 मंदिर पड़े हैं यहाँ पे, है ना, ऐसा बोल देते हैं। चलिए बताया नहीं है, खा गए हैं, चबा गए उसे तो। कौन एक कह रहा है रियो में आए थे, रियो में तो 2 ही आए थे, ठीक है, रियो में तो 2 ही आए थे, समझ गए आप लोग, उड़ीसा। अब ओडिशा का कहां से आया है ये नाम, ध्यान रखोगे आद्रे दोसा से आया है, ध्यान रखोगे उड़िया भाषा आद्रे दोसा से ये नाम निकल कर आया है, ओडिशा भुवनेश्वर उसकी राजधानी हो जाती है, डन हो जाता है, क्लियर, समझ गए। यहां पर 147 क्या है, विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं, 21 क्या है यहां पर, लोकसभा की सीटें हैं, है ना, 21, 10, 147, 10 क्या है यहां से, राज्यसभा से सीटें हो जाती हैं, समझ गए आप लोग, ऐसे आपने ध्यान रखना है। महानदी यहाँ की इंपॉर्टेंट नदी है, वैसे तो स्वर्ण रेखा नदी भी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, बट महानदी इंपॉर्टेंट है। तंपारा झील यहीं पर पड़ेगी, अनसुपा झील यहीं पड़ेगी, चिल्का झील यहीं पड़ेगी। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया है, जरा बताओ भाई इसमें से, ठीक है, कौन बच्चा लगाएगा, एक दीजिए इसमें से, बहुत अच्छा, कई सारे बच्चों का, ठीक है ना, बताओ, पता है, पता है, एक उसमें अगर मैं तुमसे पूछूं पुराने वाले 20 के नोट पे कहां की वो थी, पुराने वाले 20 के नोट पर, ठीक है, 20 के नोट पर कहां की फोटो थी, मुझे आप बता सकते हो कमेंट में, ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है कभी कभी एसएससी। अब जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, एक बच्चा कह रहा लद्दाख, यस, देखो क्या हुआ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया, क्यों, ऐसा है जब वो लद्दाख के जो कुछ भाई, ये वाला रीजन तो अक्साई चीन है, ये तो चीन के कब्जे में है, ये वाला रीजन ये पीओके है ना, और ये वाला जो रीजन है इधर आजाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है ना, तो ये वाला रीजन हमारे पास बचा, इस वाले रीजन में इतना बड़ा है लद्दाख, लद्दाख में दूर दराज स्कूल होते हैं, वहां स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया, किसके द्वारा, ये आर्मी के द्वारा चलाया गया, तो आप क्या बोलोगे, लद्दाख इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो जाता है, समझ गए। अगर आप भारत सरकार का देखोगे तो भारत सरकार इस सारे को अपना, मतलब ये पूरा का पूरा अपना बताती है, ये चीज ध्यान रखना, ना कि वो अक्साई चीन को भी दिखाती और वो पीओके को भी नहीं बताती, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। लेबांग बुमनी, जरा बताओ ये नृत्य इनमें से किस राज्य का है, कौन बोलेगा इसमें से भाई, एक राइट आंसर दीजिए, कहता है लेबांग बुमनी इनमें से आपको किस राज्य का लगता है, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र या फिर केरला, क्या बोला भाई, लेबांग बुमनी, पता है लेबांग बुमनी, ये मैंने आपको कराया एक आध बार, देखो ठीक है, देखो त्रिपुरा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, देखो कैसे त्रिपुरा का ये लेबांग बुमनी जो होता है, ये जो त्रिपुरा के लोग हैं, ये बांस होता है, बांस को आगे से फाड़ लिया, उसका माउथ बन जाता है, उससे वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जो है उससे पकड़ लेते हैं और वे खेलते हैं उसके साथ, ये वो ये पकड़ लिया, नृत्य हो गया ये उनका, ठीक है, समझिए, तो वो जो कीड़े मकोड़े अपनी पार्टी कर रहे होते होंगे, बैठ के एक दिन बियर वियर पी रहे होंगे, शराब वराब पी रहे होंगे उन सबके साथ में आपस में, तो एकदम आते होंगे, और भाई आ लिए डांस करने के लिए आ रहे हैं त्रिपुरा के लोग, भाग यहां से, लेबांग बुमनी आपस में कहते होंगे एक दूसरे, लेबांग बुमनी आ रहे है, गोली आ रही है चलती हुई, बांस से भाग, वरना तू इनका नाश्ता बन जाएगा थोड़ी बहुत देर में। चलिए बोलता है वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, देखो जनवरी 2023 के अनुसार आया ये, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, बीरेंद्र सिंह हो जाते हैं, फिर भगवंत सिंह मान हो जाते हैं, या फिर प्रमोद सावंत, या फिर मनोहर पर्रिकर, भाई पहले तो ये थे, है ना, फिर उसके बाद कौन बन गए थे, प्रमोद सावंत बन गए थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब अगर आपसे पूछेगा भगवंत मान, ये तो पंजाब में चले जाएंगे, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर सिर्फ 40 ही सीट है, ये ध्यान रखना, किसकी, यहां पर विधानसभा की, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, विधानसभा की कितनी है, 40, ये चीज आप ध्यान रखना, ओनली 40 सीट पड़ेंगी गोवा के अंदर, आपने गोवा से बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। कहता है फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था भाई, है ना, क्या बोला, फिरदौस मंजिल कौन से मुगल राजा को बोला जाता था, 1759 में वो गद्दी पे बैठा,
1806 में उसका पूरा शासनकाल हो गया। तो वो कौन था भाई? शाह आलम द्वितीय था। याद रखोगे शाह आलम द्वितीय, ये चीज आप ध्यान रखना। ये शाह आलम द्वितीय पता है क्या था? ये किसके दरबार में चला गया था डर के मारे भाग के? ये लखनऊ चला गया था, ध्यान रखना लखनऊ। लखनऊ में कौन गद्दी पे बैठा था? अवध का नवाब है ना, वो बैठा हुआ था वहां, शुजाउद्दौला। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये शुजाउद्दौला के पास था, शुजाउद्दौला के पास चला गया ये। ये चीज आप ध्यान रखना, लखनऊ के अंदर शाह आलम द्वितीय। तो ये कुछ टाइम वहां रहा, फिर ये मिला और मीर कासिम मिला। इन तीनों ने फिर मिलकर किससे? बक्सर का युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से हार गए। बक्सर का युद्ध लड़ा, अंग्रेजों से हार गए। फिर इस भाई साहब ने जो है इलाहाबाद की संधि भी करी थी, इलाहाबाद की संधि अंग्रेजों के साथ है ना। तो अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि इसके साथ भी हुई और शुजाउद्दौला के साथ भी हुई। मीर कासिम अपना निकल लिया था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ये चीज आप ध्यान रखना। अब बुरा हाल था, मतलब कुल मिला के वापस से मराठों ने इसको दिल्ली पे बिठाया था 1776 के आसपास। दोबारे से मराठों ने इसको दिल्ली पर बिठाया था, ये चीज ध्यान रखना। बट इसी के टाइम पे पूरा दिल्ली का जो साम्राज्य था वो अंग्रेजों की मुट्ठी में आ चुका था, ये चीज आप ध्यान रखना। इसी को फिरदौस मंजिल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखोगे। शाह आलम द्वितीय, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल 130 मीटर ऊंचा है, उसका नाम क्या है भाई जरा बताना, है ना? सहस्त्रधारा? ना जी ना, ये तो नहीं है, ठीक है। या फिर चचाई है? हाँ यही है, ठीक है। ध्यान रखोगे चचाई वाटरफॉल ही है। चचाई वाटरफॉल 130 मीटर ऊंचा है, कौन सी नदी पे है? बीहर नदी पे है, बीहर नदी पे है। और ये ध्यान रखोगे ये मध्य प्रदेश के अंदर है, बीहर नदी मध्य प्रदेश। 130 मीटर ऊंचा है चचाई वाटरफॉल, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा। अच्छा तीरथगढ़ वाटरफॉल किस राज्य का सबसे ऊंचा है? तीरथगढ़, ये छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखोगे छत्तीसगढ़। आप बोलोगे सर कितना? केवल 90 मीटर। अब भाई ज्यादा ऊंचे अगर पहाड़ होंगे उनसे कोई नदी गिरेगी तो अलग बात है, या ज्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं मिलते इनमें एमपी छत्तीसगढ़ में, है ना। चलो निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पारंपरिक एक नृत्य लगता है जरा बताना, इसमें से क्या लगाओगे? भादो महीने के 11वें दिन किया जाता है, कर्मा रौफ धीमसा गणगौर, जरा बताओ इसमें से। तो भाई गणगौर ये तो हमारा राजस्थान में होता है, ये तो राजस्थान का है भैया। धीमसा ये तो आंध्र प्रदेश का है, रौफ ये तो जम्मू कश्मीर का है, ये तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बचा कौन सा? कर्मा, एक इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा। कह रहा धीमसा, ना 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 भैया कर्मा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कर्मा इज द राइट आंसर। झारखंड का पारंपरिक नृत्य हो जाता है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। ये भादो महीने का, ध्यान रखो सावन भादो जानते हो ना, भादो महीने के 11वें दिन ध्यान रखोगे किया जाता है, 11वें दिन किया जाता है झारखंड का पारंपरिक नृत्य है कर्मा। देखो कर्मा उड़ीसा में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, ये जनजातियों का नृत्य है, समझ गए। कहता है जीएमटी का अर्थ बताओ, इसमें से कौन बच्चा बताएगा, है ना? जीएमटी का अर्थ बताओ क्या है, है ना, जरा बताइए इसमें से भाई जीएमटी का अर्थ क्या लगेगा। तो यहां पे पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है, जनरल मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल मीन टाइम, या फिर नन ऑफ दीज, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे। जीएमटी क्या लगेगा एक राइट आंसर, ओ बी वाले, वेरी गुड, ध्यान रखना ये तुम्हारा सीएचएसएल का क्वेश्चन है लास्ट ईयर, ठीक है। अब सीएचएसएल की एग्जाम डेट आ गई है तो एमटीएस सीएचएसएल के लिए दोनों के लिए अपना रिवीजन करो। ग्रीनविच मीन टाइम ये याद रखोगे, ये कहां से है ग्रीनविच मीन टाइम, कहां से माना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा आ रही होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन आती होती है, कहां से? इंग्लैंड के पास एक ग्रीनविच जगह है, इंग्लैंड के लंदन के पास में, वहीं से 0 डिग्री मानी गई है पूरी दुनिया की, उससे इधर ईस्ट उससे इधर वेस्ट, ये चीज आप ध्यान रखना। तो हम ईस्ट में है उसके हिसाब से, ठीक है, ईस्ट में टाइम हमेशा ध्यान रखना प्लस में रहता है और वेस्ट में टाइम माइनस में रहता है, समझ गए आप लोग। प्लस में इधर को, अगर यहां 12 बज रहे हैं ना तो हमारे यहां 5:30 बज रहे होते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम 5:30 घंटे आगे हैं, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, 2018 एशियन खेल में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था भाई? जब एशियन गेम्स कहां हुए थे 2018 में? ये इंडोनेशिया में हुए थे सर जी, कहां हुए? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के कहां? जकार्ता में हुए थे, ठीक है, जकार्ता प्लेमबर्ग में हुए थे, ठीक है, ये भी हमने माना जकार्ता प्लेमबर्ग में हुए। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, रानी रामपाल, तो क्या लगाओगे? बस सब लोगों का गलत,
एक धोरे से सबका गलत है, ठीक है। यहाँ पे नीरज चोपड़ा थे, ये चीज समझ गए, सोच रहे होंगे उस टाइम पे थोड़ी ना होंगे, हैं बहुत टाइम से खेल रहे हैं वो, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो नीरज चोपड़ा थे यहाँ पर 2018 एशियन गेम्स वाले में, 2018 एशियन गेम, ये चीज ध्यान रखोगे। हम कितने मेडल लाए थे, 69 मेडल लाए थे। फर्स्ट पर कौन था, चीन था, चीन टॉप कर गया था और हमारे 69 मेडल थे, समझ गए आप लोग, क्लियर है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या लगाओगे, बोलता है हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं, जरा बताओ, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन या फिर शुभमन गिल या फिर विजय शंकर, क्या होगा एक राइट आंसर इसमें से, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, शुभमन गिल या फिर विजय शंकर, तो क्या होगा एक राइट आंसर, वो गिल बन गए हैं, ठीक है, शुभमन गिल। इन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी कि इंटरनेशनल के T20 में भी सेंचुरी है, ODI में भी सेंचुरी है और टेस्ट में भी सेंचुरी है, तीनों फॉर्मेट में इनकी सेंचुरी है, ये चीज ध्यान रखना। और ऐसा जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं, वो कौन है, शुभमन गिल। और शुभमन गिल ने 200 भी बनाए थे वनडे में, नॉट आउट, 208 रन बनाए हुए हैं इन्होंने, याद रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे, 208 रन बनाए हुए हैं। और इन्होंने जो 208 रन बनाए हैं ना, वो भी अगर आपसे पूछा जाए सबसे युवा है बनाने वाले, सबसे युवा, लेकिन फास्टेस्ट 200 ईशान किशन। देखो यार, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करते हैं, IEA करती है, IRENA करती है, फिर पर्यावरण और ऊर्जा अध्ययन संस्थान करता है, या फिर विश्व जैव ऊर्जा संघ करता है, कौन सा करता है इसमें से, ठीक है, IEA करता है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, IEA, ध्यान रखोगे, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट यही प्रकाशित करती है, ये बताती है कि जैसे भारत को अगले 10 वर्ष में ऊर्जा की कितनी खपत चाहिए, तो यही बताएगी, ठीक है, क्लियर है, 10 वर्ष के लिए, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, क्या लगता है भाई, लोकसभा का जो हमारा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको सौंप देता है, तो क्या लगाओगे इसमें से, सर जी वो किसको सौंप देता है, भारत के राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तो आप बोलोगे सर इसमें से होगा ये कि ये उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। ध्यान रखना, आर्टिकल 93 से लेकर 97 के बीच में आपको लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए अभी, ये चीज ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मिलेगा आर्टिकल 93 से 97, तो उसमें बताया गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है, वो अपना किसको दे देगा, डिप्टी स्पीकर को दे देगा, और ये इसको दे देता है, आपस में दे देते हैं ये इस्तीफा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, डन। नेक्स्ट बोलते हैं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, देखो भाई कौन सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना, अच्छा अगर आपसे पूछे नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो मुझे बता सकते हो, देखो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 1974 से लेकर 1978 के बीच में थी, ठीक है, ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना, और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता, ठीक है, निर्भरता, और क्या था दूसरा, गरीबी दूर करना, ठीक है, याद रखोगे, गरीबी दूर करना, ध्यान रखना, तो इसमें से क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य, आपको जो है थोड़ी थोड़ी इकोनॉमिक्स भी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए, नौवीं जो है वो 1997 में शुरू होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, और जो ये 1974 से 78वीं थी, इस टाइम पर पीएम कौन थी, इंदिरा जी थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, इंदिरा गांधी, ओके डन, आ जाओ अब इधर, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोलेगा भाई, कहता है मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जरा बताइए इसमें से क्या लगेगा, मनु या फिर आपको लगेगा अबू फजल या फिर तुलसीदास, जरा बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेघदूत, ठीक है, जरा बताइए इसमें से, कल जो है ध्यान रखना, कल PYQ बहुत ज्यादा रखेंगे CHSL और MTS के लिए, ध्यान रखना इसमें PYQ दोनों के रखेंगे, MTS के भी और CHSL के भी, PYQ में ज्यादा से ज्यादा करने हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो जब चेंज होता है PYQ ज्यादा उठाता है, जैसे CGL में उठाए हैं, मेघदूत का कौन हो जाएगा, कालिदास इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में महिला एशिया कप जीत लिया, भाई महिला एशिया कप T20 जीत लिया, देखो भाई भारत तो हार गया था, फिर श्रीलंका जीत के चला गया था पाकिस्तान से, लेकिन इसमें भारत जीत गया, श्रीलंका को हरा दिया,
8 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया, कितने विकेट से, 8 विकेट से, यह भी बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो भारत महिला जीत गई थी श्रीलंका महिला को हरा के एशिया कप T20, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 8 विकेट से, डन हो जाता है यहां तक, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की बड़ी सहायक नदी लगती है। भाई यमुना की अगर हम देखेंगे, हमने देख रखा है कई बार, हम जब गंगा की सहायक देखते हैं सबसे बड़ी तो यमुना है ना जी, यमुना, यमुना की बड़ी सहायक देखते हैं तो हम चंबल देखते हैं, और चंबल की बड़ी सहायक देखते हैं तो हम बनास देखते हैं, यह बात ध्यान रखना। यह पूरा गंगा का एक ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चंबल इज द राइट आंसर। यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल हो जाती है। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन लगते हैं आपको, तो वह कौन है अध्यक्ष और सीईओ, रविंद्र भाकर है, मीनेश शाह है, माधुरी पुरी बुच है, या फिर अनिल कुमार लोहाटी, इज राइट आंसर। ये चीज ध्यान रखोगे, अनिल कुमार लाहौटी इज द राइट आंसर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ। बोला उसने कि बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो वो किसके साथ करता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, या फिर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, या फिर मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। जरा लगाओ भाई, लगाओ हिसाब अब तो, ठीक है, अब तो लगाओ इसमें से हिसाब, ठीक है, कैसे लगाओगे, बोलोगे पहले वाले को देख के खत्म कर दोगे, ठीक है। दूसरे में बच्चा कह रहा है देखो देखो इससे मणिपुर आ गया, तो मणिपुर तो नहीं कर रहा भैया, मणिपुर तो नहीं करेगा, बीच में त्रिपुरा आ जाएगा, है ना, तो इसको काउट दोगे आप। मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, हाँ हाँ सिक्किम आ गया यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पे आपका फिर से मणिपुर आ गया, ठीक है, नागालैंड भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, ये आ गए, तो कौन सा हो गया, ये हो गया आपका असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, ए इज राइट आंसर। पहला देखोगे काम खत्म कर दोगे, कह सर हाँ ये लग रहे हैं, असम भी लग रहा है, वेस्ट बंगाल भी लग रहा है, मिजोरम भी लग रहा है, मिजोरम तो दो दो देशों से लगता है भैया, ये तो दो दो देशों से लगता है, बांग्लादेश से भी लगेगा और म्यांमार से भी लगेगा, है ना, म्यांमार से भी लगेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आता है क्या, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था, क्या बोला भाई, ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था, डिडोन ने, या फिर मून जे इन ने, या फिर पियरे डी कोबार्टिन ने, तो वो किसने किया, पियरे डी कोबार्टिन ने किया था ओलंपिक का आदर्श वाक्य डिजाइन, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और इसे मुझे तुम घर से बता दोगे कि सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है। मैं आपको मिलूंगा कल 9 बजे, 5 बजे वाली क्लास में मिलूंगा पहले, फिर मैं 9 बजे मिलूंगा। थैंक यू, आप लोगों की जो भी बात हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। 56 हो चुके हैं हमारे, तब तक के लिए धन्यवाद, और जो भी तुम्हारी बातें हो, जो भी हो, कमेंट में आप बता सकते हो, जैसे भी बताना चाहो, सोशल मीडिया के थ्रू बता सकते हो, विनीश चौधरी 1 सर्च मारना इंस्टाग्राम पे, वहां मिल जाऊंगा, वहां कुछ बताना चाहो, पूछना चाहो, पूछ सकते हो कैसे भी माध्यम से, जिससे भी पूछना चाहो, बस ओके बाय, कल मिलेंगे, टाटा फिलहाल, थैंक यू।